Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all my dear students. Ahiba Firdos, your Dīnīya teacher. Let's start this day by sending our duas and spreading some love to all. I thank Allah Subhanahu wa ta Ta'ala, the Almighty, to grant you a most beautiful and blessed day ahead. <coughs> Last one uh, will start lesson one: our identity. You have to just color the lesson in the, in the reader if you are having, otherwise, no need. Now, uh, we'll start. Allah is my Lord, Muhammad is my Prophet, Islam is my religion, and मुस्लिम इज़ माय आइडेंटिटी सो प्यारे बच्चों अल्लाह ताला हमारे रब हैं मालिक है अल्लाह ही ने हमको पैदा किया है हमारी हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है और फिर वापस लौट कर भी हमको अल्लाह के पास जाना है और प्यारे नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं आप सल वम ने हमको इस्लाम के बारे में बताया इस्लाम सिखाया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ लाइफ बताया कि हाउ टू लीड अवर लाइफ इन इस्लामिक वे आप ने जो कुछ भी किया है वो तमाम चीज़ें हमारे लिए सुनत है द वे हाउ ही स्पेंड हिज़ लाइफ आपने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी वो तमाम चीज़ें हमको हमारे लिए सुनत है हदीस है आपने जो भी कहा तो हमको आपके तरीक़े को अपनी ज़िंदगी मिलाना है कि अल्लाह के सल्लम किस तरह से लोगों से बात करते थे किस तरह से मिलते थे और अपने पूरे मामला किस तरह से तय करते थे और हमारा जो मज़हब है जो रिलीजन है वो इस्लाम है इस्लाम को हमको फॉलो करना है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं वो मुस्लिम है और जो उसका जो मजहब है हमारा वो इस्लाम है दो फॉलो इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो मुस्लिम है तो हम अब हम हमारी जो आइडेंटिटी है वो मुस्लिम है और हमारा जो दीन है वो इस्लाम है हमारा रिलीजन इस्लाम है और हमारे जो यानी गॉड है या लॉर्ड है वो अल्लाह है जो यानी पूरी दुनिया में कोई भी अल्लाह के बराबरी नहीं कर सकता और अल्लाह एक है अकेले है और पूरी कायनात को चला रहे हैं इसमें कोई शक नहीं और हमको अल्लाह के रसूल सा ने तरीक़ा बताया कि हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हमको क्या करना है असलम ख़बल कलाम यह हदीस मालूम है आप लोगों को क्या मतलब है इसका कि बात करने से पहले सलाम क्या करो यानी हमको ये बताया गया कि हम जब भी आपस में एक दूसरे से मिलें तो हमको सलाम करना है तो हमारा जो सलाम है वो क्या है वट डू वी सेन वी मीट समन वी सेकुम अलैक्म का मतलब है आप पर सलामती हो व रहमतुल्ला और अल्लाह की रहमत हो व बरक़ात हूँ और अल्लाह की बरकत हूँ दिस इज़ नथिंग बट अ दुआ सलाम क्या है एक दुआ है जो हमको सिखाया गया कि आपस में जब भी हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलें तो सलाम क्या करें और सलाम करने का जो तरीक़ा है वो तीन तीन वर्ड्स है अल्लाम वरहमत लाही वबरकत जो इंसान ये पूरा सलाम करेंगे उसको तीस ने क्या मिलेंगे थर्टी रिवॉर्ड्स और अगर आप आधा सलाम कर रहे हैं अल्लाम तो दस ने क्या द टेन मोर तो इसी तरह से जो जवाब देने वाले हैं अगर उन्होंने बेहतर जवाब दे रहे हैं वालेकम वरह लाही वबरकत फिर उनको भी थर्टी ने क्या तो जो पहले सलाम करते हैं उनके लिए ज़्यादा सवाब है हम कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने छोटे हैं हम क्यों सलाम करना ऊनों हमसे पहले उन्होंने हमको सलाम करना सलाम में कोई छोटे बड़े नहीं है ये एक दुआ है एक दूसरे को कोई भी किसी को भी दुआ दे सकता है है ना और इसका सही वर्ड ये है अस्सलाम वालेकुम बहुत सारे लोग स्टाइलिश वे में बोलते हैं सलाम वालेकुम सामकम वालेकुम तो सीन से जो बोला जाता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और उसका मतलब होता है कि तुम मर जाओ तुम पर लानत हो तुम बर्बाद हो जाओ इस तरह से उसकी मीनिंग होते हैं तो अरबिक में अगर हम ज़बर या ज़ेर का भी चेंज करते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती या साउंड चेंज करते हैं तो मीनिंग बदल जाती तो हम जब भी सलाम करें अलीफ से स्टार्ट करें ए से स्टार्ट करें वालेकुम हम ये कहें अगर हम सीन से बोल रहे सलामैकम सॉलेक्कुम तो उसकी मीनिंग बदल जाती और हम दुआ देने के बजाय बद दुआ दे देते तुम बर्बाद हो जाओ तुम पलाल हो तो इस तरह से आए तुम मर जाओ उसका मतलब वो होता तो बच्चों आप जब भी सलाम करें ऐसे स्टार्ट करें वालेकुम और अगर हम ये चीज़ की आदत डाल लें मीनिंग क्या है हमारी ग्रीटिंग का हाँ अभी मैंने कहा नामक पीस भी अपॉन यू हम अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सलामती हम एक दूसरे पर भेज रहे हैं अल्लाह की बरकतें और फिलतें यानी रहमत बरकतें नाजिल हों और कुरान में भी अल्लाह ताली फरमाने सुरे नंबर फोर आयत नंबर एटी सिक्स एंड वन यू आर ग्रीटेड विद अ ग्रीटिंग ग्रीट इन रिटर्न विद वन बेटर दैन इट और एटलीस्ट रिटर्न इट इन अ लाइक मैनर इन डीड अल्लाह इज़ एवर ओवर ऑल थिंगस एंड अकाउंट बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखते हैं अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम जब एक दूसरे से मिले या हम एक दूसरे को ग्रीटिंग दें सलाम करें तो बेहतरीन तरीके से हम उसका जवाब दें और अगर बेहतरीन तरीक़े से नहीं दे सकते तो उसके वैसे ही जवाब दें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई नॉन मुस्लिम से मिलते हैं तो हम उनको उनकी तरीक़े से हम उनको सलाम नहीं करना है बल्कि उनके तरीक़े से जैसे भी नो हाय हेलो करते हैं गुड मॉर्निंग या विशेस करते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हम उनको ये कहना और सिर्फ हमको आपस में एक दूसरे से यानी मुस्लिम मोमिन भाइयों से हमको सलाम करना है इस्लाम इज अवर रिलीजन सो चिल्ड्रन दिस वाज़ द लेसन फर्स्ट लेसन यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी stay safe be healthy and do the prayers on time jazakallah khair allah hafiz